23 दिसंबर 2019 की बात कर रही हूँ मैं। मैंने तब प्लान देखा था, गौरव सर ने ही प्लान दिखाया था मुझे। बट वो टाइम ऐसा था कि मैं मेरी आगे पढ़ाई के लिए, मास्टर्स के लिए यूके जाने का प्लान कर रही थी। अभी मुझे यूके जाना है, मुझे पढ़ाई परस्यू करने आगे जाना है, मेरा पूरा प्रोसेस हो चुका है और मैं अप्रैल में जा रही हूँ। सो एवरीथिंग वॉज फाइनल, सब कुछ हो चुका था। अदर को भी सब लोग जानते हैं, तो अब मुझे था कि अब मेरा नाम बनना चाहिए, सब लोग मुझे पहचानने चाहिए। तो नेक्स्ट वन के अलावा और कोई मुझे तब बेहतरीन ऑप्शन नहीं लगा। सो मच सर वंस अगेन, और आप सभी लोगों का एक बार फिर से मैं वेलकम करती हूँ। मुझे बहुत ही खुशी हो रही है आज कि मैं एट लास्ट फाइनली डायमंड की जो पैनल लिस्ट होती है ना, उसका हिस्सा बन चुकी हूँ। क्योंकि जब अहमदाबाद में सेमिनार हुआ था लास्ट, तब थोड़ा दुख हो रहा था कि काश मैं वहां पे स्टेज पे होती, काश मैं डायमंड थोड़ा जल्दी निकल गई होती। पर अब मुझे वो खुशी हो रही है कि नहीं, अब मैं सारे जितने भी डायमंड है हमारे साथ, उन लोगों के साथ मैं अपना स्टेज शेयर कर पाऊंगी। तो उसके लिए थैंक यू सो मच। आप सभी लोग ऐसे ही प्यार देते रहिए और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहे, मैं यही चाहती हूँ। मेरे अगर जर्नी की मैं बात करूँ, तो मैंने आप सभी लोगों को कुछ दिखाना चाहती हूँ, मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ जो मैंने रेडी किया है। ऑल राइट, मेरा स्क्रीन शेयरिंग हो रहा है? यस मैडम। यस, थैंक यू सो मच सर। सो माई सेल्फ आशी, आई एम फ्रॉम अहमदाबाद गुजरात। आप सभी लोग जानते होंगे, एक स्टूडेंट हूँ, डिजिटल मार्केटिंग ग्राफिक डिजाइनिंग परस्यू कर रही हूँ अभी। और लास्ट 8 ईयर्स से मैं मेरे फादर का जो फैमिली बिजनेस है वो भी अच्छे से हैंडल कर रही थी। सो ट्रेडिशनल बिजनेस में मैं ऑलरेडी थी इतने टाइम से, बट अभी जो ये डिजिटलाइजेशन की तरफ मूव होने का जो अभी जुनून सवार था, उसकी वजह से नेक्स्ट मनी ज्वाइन किया है मैंने। और नेक्स्ट मनी की अगर मैं बात करूं, तो नेक्स्ट मनी जब ज्वाइन किया तो एक्चुअली 23 दिसंबर 2019 की बात कर रही हूं मैं। मैंने तब प्लान देखा था, गौरव सर ने ही प्लान दिखाया था मुझे। बट वो टाइम ऐसा था कि मैं मेरी आगे पढ़ाई के लिए, मास्टर्स के लिए यूके जाने का प्लान कर रही थी। तो मैंने तब मना कर दिया सर को कि नहीं सर, आपने मुझे प्लान तो दे दिया है, अच्छा है, अगर आप कहीं पहले मिले होते तो मैं ज्वाइन कर लेती, बट अभी मुझे यूके जाना है, मुझे पढ़ाई परस्यू करने आगे जाना है, मेरा पूरा प्रोसेस हो चुका है और मैं अप्रैल में जा रही हूँ। सो एवरीथिंग वॉज फाइनल, सब कुछ हो चुका था। तो मैंने तब ज्वाइन नहीं किया था नेक्स्ट मनी को। बट जब लॉकडाउन हुआ, घर पे थे, कोई काम नहीं था हमारे पास करने के लिए, तब ये स्ट्राइक हुआ कि अब जाना अभी कैंसिल हो चुका है। वो कोरोना की सिचुएशन यहाँ पे भी बहुत गंभीर थी, वहां पे भी बहुत ही रिस्की था अभी वहां जाना। तो फिर घर वालों ने ना बोल दिया है कि नहीं करना है। सो नाउ इट वॉज अ चांस कि मैं अपना कुछ अपने ब्रांड के लिए या अपने आप के लिए कुछ करूं। क्योंकि अगर मैं मेरी बात करूं, तो मेरा बिजनेस मेरे फादर का जो है वो पास्ट 30 इयर्स से है हम लोग बिजनेस में, और सब लोग जानते हैं यहाँ पे कि बिजनेस एकदम अच्छे से चल रहा है, और मेरे इनफैक्ट मेरे फादर को भी सब लोग जानते हैं। तो अब मुझे था कि अब मेरा नाम बनना चाहिए, सब लोग मुझे पहचानने चाहिए। तो नेक्स्ट मनी के अलावा और कोई मुझे तब बेहतरीन ऑप्शन नहीं लगा था, क्योंकि ये एक तो अब हमारे प्लस पॉइंट था कि ये इकलौती कंपनी है जो सर्विस बेस में वर्क कर रही है। और 21 जून को मैंने ज्वाइन किया था। 19 जून को सर को कॉल किया कि सर अब नेक्स्ट मनी ज्वाइन करना है, बट थोड़ा हेजिटेशन है। गौरव सर ने बोला क्या हेजिटेशन है? मैंने बोला सर इतने सारे लोग हैं, ये है वो है, इतनी अच्छी रेपुटेशन है, फादर का बिजनेस भी चल रहा है इतना अच्छे से, और वो लोग पहचानते भी है सब लोग मुझे, तो मैं ये कैसे ज्वाइन करूँ? मतलब मैं कैसे करूँ? मैं अगर मैं ये पोस्ट डालूंगी तो मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे? मैं अपना ब्रांडिंग कैसे करूंगी? मैं अपनी टीम कैसे बिल्ड करूंगी? ये सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में भी होंगे, ये ही सारे क्वेश्चंस मेरे दिमाग में भी आए थे। बट सक्सेसफुली कुछ ना कुछ मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ती रही,
और ये सारी जो मेमोरीज है, सब लोग पूछते हैं मुझे आज डायमंड बनने के बाद कि मैम आपने कितना कमाया, आपने क्या कमाया, आपकी इनकम क्या है, आपने अपना अचीवमेंट कैसे लिया। तो आज जो मैं शेयर करने वाली हूँ वो सारा कुछ मैंने कमाया है नेक्स्ट मनी से। इनकम बाय डिफॉल्ट है, वो तो आने ही वाला है, बट मैंने अगर सच बताऊं तो इनकम के लिए नेक्स्ट मनी ज्वाइन नहीं किया था, पर ज्वाइन करते वक्त पता था कि इनकम तो आने ही वाला है, मेरे अकाउंट से ट्रांसफर कोई और वॉलेट में नहीं होने वाला है। बट मैंने जिसके लिए ज्वाइन किया था वो था नेम, फेम और रिस्पेक्ट के लिए। आज इतने सारे लोग मुझे सुनने के लिए आए, तो मेरा वो मिशन जो था नेम फेम अर्न करने का, वो सक्सेसफुल हो चुका है। तो मैं मेरी जो मेमोरीज है, जो मेरी जर्नी रही है, वो आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले प्लान प्रेजेंटेशन दिया था मैंने अगस्त की 7 तारीख को। उसके पहले भी मैंने 3 दिन रिहर्सल किया था। 3 दिन रिहर्सल करने के बाद मैंने पहला प्लान प्रेजेंट किया था, मैंने अपना पहला प्लान प्रेजेंटेशन दिया था, जूम पे ही दिया था क्योंकि तब भी लॉकडाउन था, तो हमने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ही एक प्लान प्रेजेंटेशन की शुरुआत की थी। और तभी कॉन्फिडेंस आया था, 3 दिन पहले प्लान देना था बट तब मैं रेडी नहीं थी, तब मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं था। फिर 3 दिन तक मुझे गौरव सर ने रेडी किया और फिर एट लास्ट 7 अगस्त को मैंने प्लान दिया। और तब भी मैं प्लान देने से 2 मिनट पहले सर को बोल रही हूँ, सर मुझे प्लान नहीं देना है, मैं नहीं कर पाऊंगी। बट हो गया, वो जो डर था वो एक बार निकल गया। तो मेरा पहला प्लान प्रेजेंटेशन था 7 अगस्त। उसी के दौरान सर ने नेक्स्ट मंथ शुरू किया था नई उड़ान का, उनका जो ट्रेनिंग सेशन रहता है वो ट्रेनिंग सेशन में ज्वाइन किया मैंने, एनरोल किया था अपने आप को। एनरोल करने के बाद वहां से सर ने बताया कि यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हैं, तो वहां पे भी थोड़ा मुझे हेजिटेशन हो रहा था कि मैं फेस वीडियो कैसे बनाऊंगी ये वो, तो उसके लिए भी मैंने अपने आप को प्रिपेयर किया। फिर 7 अगस्त को मैंने मेरा यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट किया कि हाँ चलो करना है ये। और मैं सच बताऊं तो लीड आती है, डेफिनेटली आती है, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे लिंक्डइन हो, कोई भी अकाउंट हो, कहीं भी कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, वहां से लीड जनरेट होती है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं हम लोग पोस्ट कर रहे हैं बट हमको लीड नहीं मिल रही है, मैं भी ऐसा बोल रही थी, तब भी मेरा सिल्वर निकलने में थोड़ा लेट हो गया, बट फिर कंसिस्टेंसी के साथ वर्क किया तो मेरा सिल्वर निकला था। और फर्स्ट जो मैंने सिल्वर रैंक अचीव किया, जो फर्स्ट विक्ट्री है यहाँ की, फर्स्ट स्टेप है डायमंड की, और वो था 1 सितंबर को, उसके दिन हमने सिल्वर रैंक अचीव किया था। और उसी मंथ में मेरा बर्थडे था, तो 19 सितंबर को मेरा बर्थडे था और ठान लिया था कि कुछ भी हो जाए सितंबर मंथ है और 19 डेट है, उसी के दिन गोल्ड रैंक भी मुझे अचीव करना है। अपने आप को 19 सितंबर को गोल्ड रैंक सेल्फ गिफ्ट किया है मैंने, सो ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है मेरे लिए कि अपने आप को खुद को ये रैंक मैंने गिफ्ट किया। शाम को करीबन 5:30 बजे मैंने आईडी लगवाया था 19 सितंबर को, ना बर्थडे सेलिब्रेशन ना कुछ, बस मैं इसी के पीछे पड़ी थी कि मुझे अपना रैंक अचीव करना है, और फाइनली 19 सितंबर को रैंक मैंने अचीव भी कर लिया था। सेकेंड मंथ में शुरू किया गया था उड़ान सेशन, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ चुका था, गोल्ड रैंक अचीव हो चुका था, बहुत सारे जूम के जो प्लान प्रेजेंटेशन थे वो मैं होस्ट कर चुकी थी, चाहे वो मीटिंग का हो, चाहे ये प्लान प्रेजेंटेशन हो, वो सारा कुछ होस्ट कर चुकी थी, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ चुका था। नई उड़ान की जो गौरव सर ने ट्रेनिंग शुरू की थी उसमें भी मैंने पार्टनरशिप की थी और उसके भी 3 सेशन मैंने कंडक्ट किए ही थे, तो ये भी एक बहुत ही बेहतरीन जर्नी थी मेरे लिए कि मैंने टीचिंग भी कर दी यहाँ पे, मतलब सिखा भी दिया सबको कि ऐसे ऐसे करना है। फिर आया था ऑफर, दिवाली ऑफर, तो दिवाली ऑफर में भी गोल्ड कॉइन अचीव किया क्योंकि वो भी करना जरूरी था कि हाँ चलो गोल्ड कॉइन अचीव करना ही है, तो फिर गोल्ड कॉइन भी अचीव किया, प्लस गौरव सर का जो एक ऑफर था स्पेशली वो भी मैंने अचीव किया था।
एट लास्ट अब सभी लोगों को शायद ये पता होगा और मे बी नहीं भी पता होगा कि नेक्स्ट मनी का जो मेगा टच पॉइंट है पूरे गुजरात का, वो यहाँ पे इनॉग्रेट किया है मैंने। तो वो भी एक बहुत ही बड़ा जीत था कि थर्ड टच पॉइंट, मेगा टच पॉइंट ओपन हुआ था जब सर ने अनाउंस किया, तो तीसरा मेगा टच पॉइंट गुजरात में ओपन हुआ था और वो भी हमारे द्वारा हुआ था। तो ये भी एक बेहतरीन एग्जाम्पल सेट किया था मैंने अपने आप के लिए, मुझे किसी और को प्रूव नहीं करना था, मुझे अपने आप को प्रूव करना था और ये वहां पे हुआ था। सीएमडी सर खुद आए थे, सो मैं तो सुपर डुपर एक्साइटेड थी कि हाँ चलो सीएमडी सर को मिलना है, एक सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आ रही थी मुझे उस वक्त। उसी दौरान सेमिनार था अहमदाबाद में, अहमदाबाद का सेमिनार भी होस्ट किया, सर को मोमेंटो दिया, सर से ट्रॉफी ली। मैं अगर बात करूँ तो डायमंड और क्राउन डायमंड सर जितने भी थे उन लोगों के साथ मुझे स्टेज शेयर करने का मौका मिला। दूसरे दिन जो ट्रेनिंग थी वो ट्रेनिंग का भी मैं हिस्सा बन पाई। सो दिस इज आई कैन से कि मुझे ये सब मिला है और दिस इज इट, मुझे इसी सब की तलाश थी, मैं इसी के लिए नेक्स्ट मनी में आई थी और मैंने यही सब हासिल किया है। और इसके बारे में तो मैं क्या बताऊं, आज आप सब लोगों को पता होगा एप्लीकेशन में फोटो आ चुकी है तो अभी भी दिख रही होगी शायद, तो मैं इसके बारे में तो कुछ बता ही नहीं सकती कि डायमंड रैंक अचीव किया, मतलब बस अब कुछ नहीं चाहिए, अब इतना मिल गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए आगे। और ये वुमेन्स डे के दिन का टारगेट लिया था हमने कि अभिषेक सर का बर्थडे भी है और वुमेन्स डे भी है, तो लेट्स सेट एन एग्जाम्पल, उसी दिन कंप्लीट करते हैं, उसी दिन अचीव करते हैं। और वुमेन्स डे के दिन ही ये भी अचीव हो चुका था, मेरी हेल्थ ठीक नहीं थी इसलिए सेलिब्रेशन में और ये सब फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी थी मुझे, बाकी सब एप्लीकेशन में भी फोटो आए उसका मैं वेट कर रही थी और हेल्थ का थोड़ा इश्यू भी था तो उसके लिए मैं अपने आप को यहाँ पे प्रेजेंट नहीं कर पाई थी उस दिन। सो उसके लिए सॉरी कि मैं तब प्रेजेंट नहीं कर पाई, बट अब मैं जब ठीक हूँ, सर का मैसेज आया था, हर सर ने मुझे बताया था कि मैम आपको स्पीच देना है, मैंने सर को भी बताया कि सर नहीं होगा मेरे से, जर्नी शेयर नहीं होगी मेरी बिकॉज मैं ठीक नहीं हूँ। कल मैं ठीक थी और आज ही के दिन, कल जैसे ही मैं ठीक हुई और आज मैंने डिसाइड किया कि चलो अभी टाइम आ चुका है कि हमारा जर्नी शेयर किया जाए। सो मेरा जर्नी अगर मैं बात करूँ तो मेरा बहुत ही कोई इमोशनल जर्नी नहीं है मेरी उतनी, हाँ मुझे थोड़े ड्रॉबैक्स आए, थोड़े रिजेक्शन आए, बट गौरव सर का साथ था तो थोड़े रिजेक्शन को, फेलियर को हमने पॉजिटिवली लिया और वो जो फेलियर था उसको हमने पॉजिटिवली लेके जो ना थी उनकी हाँ में कन्वर्ट किया। चलो 3-4 महीने बाद हुई है कन्वर्ट, बट यस हुई है उन लोगों की हाँ। और ये सारा क्रेडिट अगर मैं बात करूँ तो ये सारा क्रेडिट मेरे अपलाइन को ही जाता है, डेफिनेटली उन्हीं ने इंस्पायर किया था। प्लस मैं हर सर का बहुत बार स्पीच सुन चुकी हूँ, ट्रेनिंग भी अटेंड कर चुकी हूँ, दूसरे बहुत सारे डायमंड लीडर्स है, आरसी यादव सर है, किशोर सर है, वो सारे लोगों की भी मैं स्पीच रेगुलर आती थी सेशन में, तो मैं वो सारे लोगों का जो मोटिवेशन स्पीच रहता था वो सारा भी सुनती थी, उससे भी चार्ज होती थी। स्पीच सुनने के 3-4 दिन तो ऐसा ही लग रहा था कि नहीं चलो दूसरे दिन ही मैं अपना रैंक निकाल लूं, बहुत सुन लिया अभी, बहुत मोटिवेशन दे दिया है, चलो दूसरे दिन हमारा रैंक अचीव कर लेती हूँ। बट एनी हाउ वो इतना इजी नहीं था, बट नामुमकिन भी नहीं था। सो दिस इज इट, आई विल थैंक्स टू एवरीवन कि आप लोग ने मुझे लास्ट तक सुना, थैंक यू हर्ष सर का कि उन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया, थैंक यू गौरव सर का एंड थैंक यू गॉड एंड माई पेरेंट्स ऑल्सो कि उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी। और अभिषेक कुमार बर्मन सर और शबनम प्रवीण मैम को तो हम भूल ही नहीं सकते कि उनकी वजह से आज हम यहाँ पे है, उनकी देन है कि हम ये नेक्स्ट मनी कर रहे हैं और हमने यहाँ पे ये जो भी हासिल किया है वो उन्हीं की बदौलत किया है, तो वन लास्ट थैंक्स टू देम ऑल्सो।